किसानों द्वारा हाईवे और दिल्ली जाम के ऐलान से घबराए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मीडिया के सामने आए। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का कहना है कि लोकतंत्र संवाद से आगे बढ़ता है, जहां सरकार किसानों जत्थों की मांग मान रही है, वहीं किसानों को भी आगे आने की जरूरत है। ओपी धनखड़ ने कहा कि सरकार ने कृषि कानून में सभी आशंकाओं को दूर किया है, अब किसान भी खुले दिल से स्वीकार करें। उन्होंने आंदोलन में राजनीतिक लोगों की एंट्री पर भी कटाक्ष किया है और कहा है कि विपक्ष केवल राजनीतिक रोटियां सेकने में माहिर है। देखिए, विपक्ष की राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और आप देख रहे हैं उनकी रोटियां जल भी रही हैं, सेकते हुए आपने देखा भी होगा। दूसरे के तवे पर रोटी सेकना विपक्ष की आदत हो गई है, चढ़े तवे पर। किसानों के मुद्दों को केंद्र सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सुना है, केवल और केवल अपनी बात पर, यानी सुझाव जब आगे बढ़ गए हैं, सुझाव जब स्वीकार कर लिए हैं, तो इस प्रकार के भावना किसान जत्थेबंदियों में भी, किसान संगठनों में भी आनी चाहिए कि सरकार ने खुले दिल से सब बातों को स्वीकार किया है, वो भी खुले दिल से अब इन सब बातों को स्वीकार करके आगे बढ़े। देखिए, विपक्ष ने तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जहां भी देखी तवा पर आत और वहीं बिताई, अपना सारा टाइम वहीं बिता रहे हैं, तो उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। लेकिन किसान भाइयों के ये जरूर समझ में आ गया है कि सरकार ने बहुत समाधानपूर्वक हर बात को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक पहुँचना चाहिए।